दोस्तों यूँ तो हमें कम बजट के अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, पर दोस्तों कुछ समय ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें कम प्राइस पर काफ़ी अच्छे और बेहतरीन फ़ोन्स देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों अगर आप आज के समय पर अपने कम बजट के अंदर कोई अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 बेस्ट फोन अंडर 8 to 9,000 रुपीज़, जहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 जैसा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है, सुपर एमोलेड की पैनल भी मिल जाएगी, अप टू 7GB तक की रैम का सपोर्ट होगा और हाँ भाई फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे और बेहतरीन कैमराज भी देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सो भाई आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन को अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा हुआ है। तो पहले हम बात करने वाले हैं उन यूज़र्स की जो कि भाई नॉन चाइनीज फ़ोन में इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्हें सिर्फ सैमसंग का स्मार्टफोन पसंद है और उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने लिए कोई सेकेंडरी स्मार्टफोन लेना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का गैलेक्सी F13 फोन है। ये आपको मिलता है प्लास्टिक बिल्ड पर, जहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और बैक पैनल से तो दोस्तों काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन भी है, हालांकि फ्रंट में आपको यहां पर वही वी नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन से तो कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट और साथ ही साथ ये फ़ोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, जहां पर आपको मिलता है One UI 4.1 का कोर एडिशन, जिसका मतलब हुआ कि आपको यहां पर जो नॉक सिक्योरिटी मिलने वाली है वो सॉफ्टवेयर तक ही लिमिटेड होगी, हार्डवेयर से आपको यहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है वो आपको यहां पर काफ़ी अच्छी मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली PLS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LCD पैनल तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा, साथ ही में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और 480 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है। इन सभी के अलावा स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर नॉर्मल मिलती है भाई, आप इसे एवरेज भी कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। तो बैक साइड में आपको मिल जाएंगे तीन कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2MP का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 8MP का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, मेन कैमरा से आपको आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, सो आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30fps। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर कैमरा मॉडल थोड़ा सा डिसेंट मिलेगा, उससे आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की तरफ। और दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है 8nm बेस एक्सिनोस का 850 का चिपसेट। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये प्रोसेसर एक नॉर्मल टाइप का प्रोसेसर है, जो कि आपको यहाँ पर डेली टास्क वगैरह करा देगा, साथ ही में अगर आप यहाँ पर कैंडी क्रश या फिर टेम्पल रन जैसे गेम्स खेलना चाहे भाई तो वो आप यहाँ पर खेल सकते हैं। की बात ऑन टू स्कोर की, तो ये स्मार्टफोन स्कोर करता है लगभग 1,35,000 के आसपास। सो भाई आप इतना तो समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो बजट के हिसाब से एवरेज होने वाली है। और रही बात दोस्तों फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 15W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। तो बैटरी का साइज काफी अच्छा दिया गया है, आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाता है। सो भाई आपको इस फोन की तरफ क्यों देखना चाहिए? तो भाई अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं और नॉर्मल टास्क वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती, तो बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको डिसेंट निकाल कर देता है। साथ में बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के अच्छे हैं, इसके अलावा फोन का जो बैकअप है दोस्तों वो काफी कमाल का है। हाँ भाई हालांकि सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर छोटा मिलेगा लेकिन कैमरा परफॉर्म काफी अच्छा करता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कुछ कमियों की बात करें भाई, तो फोन का जो रियर कैमरा ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, साथ ही में फोन के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्लोअर चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर 4GB तक की एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात। बेसिकली आपको यहाँ पर 8GB तक की रैम मिलती है, 64GB की स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है और इसके लिए आपको लगभग 9,500 रुपए। बट दोस्तों जैसा कि मैंने कहा अभी सेल चालू है, तो आप यहाँ पर अगर ICICI या फिर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 8,498 रुपए की प्राइस पर। और 8,500 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो सैमसंग की तरफ से अच्छा फोन है, फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले भी आपको मिल जाती है, लंबा बैकअप भी आपको मिल जाएगा और परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक निकाल कर दे सकता है। वैसे एक और अच्छी बात है कि फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4GB की एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। और हाँ भाई हमने यहाँ पर सभी के बेस्ट स्पेलिंग्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों
तो दोस्तों अब बात करते हैं उन यूज़र्स की जिन्हें यार परफॉर्मेंस तो अच्छी चाहिए, साथ ही साथ रिफ्रेश रेट वगैरह भी अच्छी हो, लेकिन फ़ोन के अंदर कोई भी UI यानी दोस्तों कोई भी ब्लॉटवेयर्स वगैरह ना हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का E40। यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है और क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। रही बात डिज़ाइन की तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिज़ाइन आपको कैसा मिलता है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर ले तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। इस स्मार्टफोन का जो खास फीचर है दोस्तों वो है स्मार्टफोन का OS। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 जो कि आपको नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ में मिलता है, तो कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको नहीं मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आपको मिल जाता है 6.5 inches की HD+ वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर आपको 400 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है और किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर मिल जाता है। रही बात रिफ्रेश रेट की तो 90 Hz की रिफ्रेश रेट और 180 Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। सो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। कैमरास की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगे हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 48 megapixel का, 2 का मैक्रो, 2 megapixel का डेप्थ सेंसर और सामने की तरफ आपको 8 megapixel का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन मेन कैमरा से आपको आउटपुट अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको शिकायत नहीं आती है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ले तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। ओवरऑल कैमरा से आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आती। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो फोन के अंदर लगा हुआ है यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक T700 का चिपसेट, जो कि आपको यहाँ पर लगभग MediaTek Helio G8085 जैसी परफॉर्मेंस दे देता है। 12 nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो हीटिंग वगैरह की शिकायतें हल्की फुल्की रहती है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है। डे टू डे यूजेस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास के अंतर स्कोर मिल जाते हैं, जिसका मतलब कि आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती। पावर हाउस की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से देती है। साथ ही में आपको यहाँ पर नॉर्मल 10 W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो फोन का बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4 खूबियाँ मिलती हैं। पहला तो स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है, लंबी बैटरी आपको मिल जाती है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा डिज़ाइन भी आपको अच्छा मिलेगा और 90 Hz की डिस्प्ले भी दी गई है, लेकिन इन सभी के अलावा IP52 की रेटिंग भी आपको मिल जाती है, जो कि इस बजट के अंदर काफ़ी लिमिटेड स्मार्टफोन है जहां पर आपको मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई हर स्मार्टफोन की कुछ कमियां भी ज़रूर होती है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 10,000 rupees की प्राइस पर लॉन्च किया गया था, जहां पर हमें फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल सकती थी, लेकिन आपको यहां पर HD+ की रिजोल्यूशन मिलेगी। साथ ही में फ़ोन 10 W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही फ़ोन के कैमरास उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो भाई ये थे स्मार्टफोन की कुछ कमियां। अगर आप इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें तो आप स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 GB RAM 64 GB storage के लिए नॉर्मली आपको 9,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट दोस्तों जैसा कि मैंने कहा क्रेडिट कार्ड से 8,099 रुपये की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। 8,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो फ़ोन अच्छा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अब उन यूज़र्स की तरफ जिन्हें भाई कॉन्टेंट वॉच करने का बहुत शौक है, जिन्हें बड़ी डिस्प्ले पसंद आती है, जिन्हें बड़ा बैटरा पसंद आता है और साथ ही साथ जिन्हें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं Redmi की तरफ से आने वाला Redmi का 10 जो फोन है, ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको फोन के अंदर काफी अच्छी मिलती है। हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और ये स्मार्टफोन आता है 6 nm बेस्ड Qualcomm Snapdragon 680 के चिपसेट के साथ में, जहां पर आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलती है, डेली टास्क वगैरह में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी और बजट के हिसाब से आपको गेमिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी करा देता है। और तो और दोस्तों आपको और भी अच्छी परफॉर्मेंस मिले इसके लिए इस फोन के अंदर UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। कुछ बाकी फीचर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। साथ ही में ये जो फोन आता है ये आता है एंड्रॉइड 11 के MIUI 13 पर, तो हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलेगी 6.7 inches की एक बड़ी सी HD+ की IPS LCD डिस्प्ले, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और 400 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में आपको यहां पर 60 Hz की रिफ्रेश रेट और 120 Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। और अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप अगर ऑनलाइन कॉन्टेंट वगैरह स्ट्रीम करना चाहें तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की गाइस। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरा मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। गाइस मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं भाई कि इस फोन का जो कैमरा है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो गाइस आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS। तो भाई अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते थे स्मार्टफोन को, तो मैं कहूँगा कि आप इस फोन से दूर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो फोन के बैक साइड में आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरा भी मिलेगा, और साथ ही आपको यहाँ पर 18W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है और बैकअप भी फोन का काफ़ी तगड़ा है। तो अगर आप लंबे समय तक चलने वाली बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना चाहें तो आप स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन की तरफ क्यों जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, लंबी बैटरी देखने को मिलने वाली है, डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी दी गई है, वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा कि इस बजट में आपको किसी भी फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलता, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही में ये फ़ोन 18W की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। वहीं पर अगर बात करें स्मार्टफोन की कुछ कमियों की, तो यार यहाँ पर आपको HD+ की डिस्प्ले दी गई है, डिसेंट स्पीकर्स मिलते हैं, और साथ ही भाई यहाँ पर जो कैमराज दिए गए वो थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्राइस पर ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है उस हिसाब से देखेंगे तो फोन अच्छा है, क्योंकि गाइस 4GB RAM 64GB वाला जो वेरिएंट है वो नॉर्मली आपको 11,000 रुपये की प्राइस पर मिलता था, बट इस सेल में ये स्मार्टफोन आपको बिना किसी बैंक ऑफर्स के साथ में मिल रहा है 8,499 रुपये की प्राइस पर। और भाई इस सेगमेंट के अंदर आपको प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा दिया गया है, भाई इस सेगमेंट के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी, प्रोसेसर, साथ ही लंबा बैकअप, और हाँ भाई वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो भाई चलिए बात करते हैं अब उन यूज़र्स की जो कि इस बजट के अंदर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बजट के अंदर आने वाला ये एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, और ये फ़ोन यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स का नोट 12। इस फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Helio G88 का चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट भी 12 nm की फैब्रिकेशन पर आता है, लेकिन आपको गेमिंग काफ़ी अच्छी कराता है, डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, सो परफॉर्मेंस आपको बजट के अंदर काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। और साथ ही में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक फुल HD+ वाली AMOLED की पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और भाई 1000 nits की आपको यहां पर ब्राइटनेस मिल जाती है, तो काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। और हाँ दोस्तों गेमिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट, लेकिन 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी फ़ोन के अंदर आपको यहां पर काफ़ी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें गाइस, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा दिया गया 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और साथ ही में एक AI लेंस मिलता है। सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहाँ पर आपको ड्यूल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाते हैं। रही बात दोस्तों आउटपुट की, तो यहाँ पर नोट 11 से काफ़ी कुछ इंप्रूव किया गया है, आपको यहाँ पर इमेज आउटपुट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरा से अप टू 30 FPS, तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में दोस्तों फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जहां पर 33W की चार्जिंग का सपोर्ट है, और साथ ही साथ दोस्तों चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको अच्छा मिलेगा, बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की गाइस, तो यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको ऑडियो काफी लाउड मिलती है। साथ ही में ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिलेगा, और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, जहां पर आपको मिलता है XOS 10.6। थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको मिलते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पर भी आपको कोई खास शिकायत नहीं आती। और हाँ दोस्तों अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी फोन की काफ़ी अच्छी दी गई है, साथ ही आपको यहाँ पर डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक ऑलराउंडर टाइप का फोन है, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB की रैम और 3GB की वर्चुअल रैम आपको यहाँ पर मिलती है, 64GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी, और इसके लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपये। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, बैंक ऑफर्स अभी से यहाँ पर लाइव कर दिए गए, तो अगर आपके पास यहाँ पर ICICI या फिर एक्सिस बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, ये स्मार्टफोन आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर 8,999 रुपये की प्राइस पर। तो भाई इस स्मार्टफोन के अंदर ऐसी क्या खूबी है जिसके लिए आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर AMOLED की पैनल मिल रही है, हालांकि 60Hz की है, लेकिन बजट के अंदर काफ़ी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी है। वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग सपोर्ट मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको दिए गए हैं, और बजट के अंदर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी निकाल कर देता है। और इतना ही नहीं भाई, फ़ोन के अंदर आपको जो कैमराज दिए गए वो भी आपको डे लाइट में अच्छी फोटोज़ भी निकाल कर देते हैं। लेकिन भाई हर स्मार्टफोन की कुछ ना कुछ कमियाँ तो ज़रूर होती हैं, और इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको जो कमी देखने को मिल रही है वो है दोस्तों यहाँ पर इस स्मार्टफोन का
सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्लॉट पर ऐप और ऐड देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके साथ में फीचर्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, बट फिर भी आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से थोड़ा सा एवरेज मिलता है। साथ ही भाई आपको यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी माइक देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको भी आप ख्याल में रखिएगा। हालांकि दोस्तों इस बजट के अंदर ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा मायने भी नहीं रखती हैं, बट अगर आप यहाँ पर एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन लेना चाहें जहाँ पर कंटेंट वॉचिंग का भी मज़ा आए, कैमरा भी अच्छे हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। सो फाइनली गाइज, ये थे वो टॉप 4 बेस्ट फोन जो कि आपको मिल रहे हैं इस समय 8 से 9 हज़ार रुपये के अंदर। सो चाहें तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।